हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारे मेरे चैनल में। अजीम नैनीताल, मैं कहीं बाहर था कुछ दिन पहले, यहाँ आपदा आई, वो एक या दो दिन बारिश हुई जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई नैनीताल में। अभी मेरे सामने की ओर देखिए आप, कैसे लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर हर जगह। पीछे भी कुछ लैंडस्लाइड हुआ था तो मैंने उसको शूट किया नहीं, मैंने सोचा फिर इसको मैं शूट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने से कैसे लैंडस्लाइड देखिए, हुआ है, रोडें धस गई हैं नीचे। इससे पीछे प्रिया बैंड के पास भी कुछ ज़्यादा ही मलबा गिरा हुआ है, रोडें टूट चुकी हैं, रोडें गिर चुकी हैं। आप अभी नैनीताल आएँ तो बहुत सावधानी से आएँ। ये देखिए बहुत लैंड स्लाइड हुआ है। अभी मैं नैनीताल जाते हुए जो जो मैं शूट कर सकूँगा वो शूट करूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आपको नैनीताल आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अभी अभी मौसम ख़राब है यहाँ का। आज 21 अक्टूबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कैसे ये लैंड स्लाइड हुआ है यहाँ पर। पेड़ गिर चुका है, ऊपर से पूरा पहाड़ गिर चुका है। मैं थोड़ा आगे से आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना तगड़ा पेड़ है, ये भी गिर चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों प्लीज़ आप नैनीताल आएँ तो बहुत सावधानी से आएँ, लैंड स्लाइड हो रहा है बारिश के चलते। परसों तो कुछ ज़्यादा यहाँ तबाही हुई है के सामने। मैं भी यहाँ से नैनीताल, वो कालाडूंगी से नैनीताल जा रहा हूँ। मैं था नहीं नैनीताल ना तो आपको वीडियो में बहुत पहले देता, लेकिन सही हुआ नैनीताल नहीं था, ना ही नैनीताल में लाइट थी ना ही कुछ था। ठीक है गाइस, इस बारिश के बाद कहीं नुकसान है तो कहीं खूबसूरती भी है। ये देखिए कुदरती बारिश के बाद जो को ये झरना निकल आया है, कुदरती तो हम इसे कह नहीं सकते, लेकिन जब भी बारिश होती है झरना निकल आता है। सामने देखिए कितना प्यारा व्यू है। वाटरफॉल है यहाँ पर खड़िया ताल के पास, उसके नीचे वाटरफॉल पड़ता है, वो देखना है। खूबसूरत है, देखने पर खूबसूरत नजारे हैं। तो गाइस देखिए कितना पानी भर चुका है यहाँ पर सड़िया ताल में, जो पर रोड तक आ गया पानी, सॉरी रोड से नीचे है ये रास्ते में जहाँ से आप देखते थे झील को। सामने देखिए कितना तेज पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ों से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी तेज़ बारिश और कितना ज़्यादा तबाही होगी और कितनी बारिश पड़ी होगी यहाँ पर। अभी कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर पहाड़ों से ही पानी गिर रहा है नीचे, जहाँ से कहीं पानी गिरता ही नहीं है वहाँ से पानी गिर रहा है। ये देखिए इसी पानी से खतरा भी होता है, ऊपर से पत्थर भी गिर जाते हैं इन पर पानी से।
तो आप जैसे आए तो मेहरबानी करके सावधानी से आना। ओह बाय गॉड, देखिए ये कितने बड़े बड़े बोल्डर गए हैं, ये पूरा पहाड़ गिर चुका है ऊपर से नीचे को। वो तो सही है, कोई इस पहाड़ की चपेट में नहीं आया। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने भारी भारी बोल्डर, टनों बजनी पत्थर हैं ये। आधी रोड पर ये मलबा गिरा हुआ है, ऊपर से भारी भारी बोल्डर हैं।